अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं जिंगर शवरमा। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन क्यूब्स में कटा हुआ, एक टीस्पून नमक चाहिए होगा, एक टीस्पून सुरख मिर्च चाहिए होगी, एक टीस्पून हमें साबुत पिसा हुआ धनिया चाहिए होगा, एक टीस्पून गरम मसाला चाहिए होगा, दो चम्मच सोया सॉस, दो चम्मच सिरका, चार चम्मच चिली सॉस के चाहिए होंगे, हाफ टी स्पून हमें पिसा हुआ लहसुन चाहिए होगा मैरिनेशन के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। स्लाइस में कटे हुए आलू चाहिए होंगे दो अदद, एक टमाटर चाहिए होगा स्लाइस में कटा हुआ, थोड़ी सी बंद गोभी चाहिए होगी और थोड़ा सा प्याज स्लाइस में कटा हुआ बारीक। दो प्याली मैदा चाहिए होगा हमें, तीन अदद अंडे चाहिए होंगे, दो चम्मच चावल का आटा चाहिए होगा, तीन चम्मच कॉर्न फ्लोर के चाहिए होंगे, ये सब कोटिंग के लिए है, मायो चाहिए होगी, केचप चाहिए होगी। सबसे पहले बाउल लेंगे, चिकन ऐड करेंगे मैरिनेट करने के लिए। सोया सॉस ऐड करेंगे, सिरका ऐड करेंगे, चिली सॉस ऐड कर देंगे। और लहसुन ऐड कर देंगे। मसाले आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक टीस्पून हमें नमक चाहिए होगा, एक टीस्पून सुरख मिर्च, एक टीस्पून पिसा हुआ साबुत धनिया, एक टीस्पून गरम मसाला। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैदा ले लेंगे दो प्याली, इसके अंदर चावल का आटा ऐड करेंगे दो चम्मच, कॉर्न फ्लोर ऐड कर लेंगे तीन चम्मच, लहसुन ऐड कर लेंगे, लहसुन पाउडर, नमक ऐड कर लेंगे, काली मिर्च ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, मिक्स कर लेंगे इन्हें अच्छी तरह से। लहसुन पाउडर भी हाफ टी स्पून ही लेना है। मिक्स हो चुका है ये, अब ये रेडी है। अब हम इसको कोट करते हैं। चिकन का पीस लेकर सबसे पहले मैदे में कोट करेंगे, अंडे में डिप करेंगे, और फिर से अच्छी तरह से मैदे में फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। तो ये हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें
फ्राई करेंगे। फ्लेम ऑन करते हैं। एक पैन लेंगे हम, ऑयल ऐड करेंगे। डीप फ्राइंग है इसलिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम चिकन के पीस ऐड करेंगे। आंच मीडियम रखें। एक साइड से गोल्डन हो जाएं तो टर्न कर लें। रेडी हो चुका है, हम निकालते हैं इसे। ये रेडी हो चुका है, देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब बाकी पीसेस भी हम फ्राई कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन सब कुछ सामने दिखाना होता है। टर्न कर लेंगे। ये रेडी हो चुका है। ये देखिए हमने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम पीटा ब्रेड लेंगे, ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। ब्रश लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लेंगे। एक नॉन स्टिक तवा लेंगे, उस पे हम सबसे पहले ब्रश से ऑयल लगाएंगे। पीटा ब्रेड रखेंगे। एक साइड से हो जाए थोड़ी सी गोल्डन तो दूसरी साइड से कर लें। ये देखें तो इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। ये हमने सारे रेडी कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें हैं, अब हम असेंबल करेंगे इन्हें। थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। बंद गोभी डालेंगे। स्लाइस में कटा हुआ टमाटर डालेंगे और आलू के फ्राइज जो हमने बनाए थे वो भी डाल देंगे। ये बहुत मज़े का बनता है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। जिंगर के पीस रखेंगे। केचप डालेंगे हम। मायो डाल देंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे।
तो ये रेडी हो चुका है। दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। पहले मैंने चीज़ें प्याज वगैरह नीचे रखे थे, दूसरे में मैंने ज़रा ऊपर रखे हैं और जिंगर नीचे रखे हैं। ताकि दोनों तरीकों से आपको पता चल जाए। अब इसको भी फोल्ड कर लेंगे।